नमस्कार किसान भाइयों, मैं जगन्नाथ कुशवाहा। मधुमक्खी पालन का जो दूसरा पार्ट है वो हम लेकर के आपके सामने आ रहे हैं और हम सिंह साहब का परिचय पिछले वीडियो में मैंने दिया है। अब मैं उनसे दूसरे पार्ट पर सवाल करने के लिए बैठे हुए हैं और इनसे कुछ जानकारी चाहेंगे। सिंह साहब, हमें आप बताएं कि मधुमक्खी के उत्पाद व उनके उपयोग पर संक्षेप में हमें कुछ बताएं। देखिए कुशवाहा जी, मधुमक्खी का मुख्य रूप से अधिकांश लोगों को ये जानकारी है कि केवल इसे शहद के उत्पादन के लिए ही पाला जाता है, लेकिन मधुमक्खी शहद के अलावा और भी कई बहुत ही महत्वपूर्ण उत्पाद हमको देती है, जिसमें पहला पराग है, जिसको कि अंग्रेजी में भाषा में जो है जो प्रचलित भाषा में पॉलन कहते हैं, और दूसरा है उसमें प्रोपोलिस करके एक, जिसको कि बी ग्लू भी कहा जाता है, गोंद के रूप में मिलता है। तीसरा उत्पाद है इसका जो है उसमें रॉयल जेली करके, या इसको बी मिल्क के नाम से भी जाना जाता है। रॉयल जेली जेली जो है मधुमक्खी उत्पादित करती है, और जो उनका जो मोम है वह भी एक उत्पाद के रूप में जो है मधुमक्खी पालक को मिलता है। तो इस तरह से शहद, पराग और बी वेनम भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण उत्पाद है। तो ये शहद, पॉलन, बी वेनम, प्रोपोलिस, रॉयल जेली और मोम, ये मुख्य रूप से मधुमक्खियों का उत्पाद है, जो कि मधुमक्खी पालन से मधुमक्खी पालक को और किसान को प्राप्त हो सकता है। पराग का क्या उपयोग है? पराग मुख्य रूप से यह उसमें प्रोटीन होता है, तो यह मान्यता है कि जिस भी पौधे का वो पराग होगा उसका जो भी मेडिसिनल वैल्यू है वह उस पराग में आता है। तो कई देशों में जो पाश्चात्य देश हैं उनमें, और इवन चाइना और थाईलैंड और बहुत सारे ऐसे देशों में जो हमने देखा है कि ये पराग का टैबलेट फार्म में, कैप्सूल के फार्म में वह मिलता है, जो कि प्रोटीन सप्लीमेंट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन हमारे देश में तकनीक तो उपलब्ध है, और ये तकनीक जो है थाईलैंड से हम लोगों ने लाई थी जब मैं सेंट्रल बी इंस्टीट्यूट पुणे में था, तो वो तकनीक उपलब्ध है। और आंध्रा में और पंजाब के कई हिस्सों में पराग का कलेक्शन पॉलन ट्रैप के द्वारा मधुमक्खियों से किया जाता है, लेकिन अभी भी इसका उत्पादन इतना नहीं होता है कि वह आम जन तक प्राप्त हो सके। क्या पराग एकत्रित करने के लिए कोई तकनीकी विकसित की गई है? पराग उत्पन्न करने के लिए, जैसा मैंने आपको बताया कि जो है हम जब हम लोग थाईलैंड गए थे तो वहाँ से जो है हमने पॉलन ट्रैप लाया, और यहाँ पर भी उस पॉलन ट्रैप को बनाया गया है, और वो पॉलन ट्रैप उपलब्ध भी है। सेंट्रल बी इंस्टीट्यूट से कॉन्टेक्ट करके कोई पॉलन ट्रैप प्राप्त कर सकता है। क्या रॉयल जेली उत्पादन का भी क्या महत्व है? काफ़ी पहले हम लोग 10 लोग थाईलैंड इसी आशय से गए थे कि रॉयल जेली के उत्पादन की तकनीकी को वहाँ से लाया जाए। तो ये 10 लोग जा कर के वहाँ पे उनको प्रशिक्षित किया गया था, और वो लोग आकर के अपने अपने जगहों पर जो है रॉयल जेली उत्पादन की तकनीक को लेकर के गए। लेकिन मुख्य रूप से सेंट्रल बी इंस्टीट्यूट पुणे वहाँ पे ये तकनीक उपलब्ध है, और इस समय प्रोग्राम के तहत सिस्टमेटिकली जो भी संस्था के लोग इस तकनीक को लेना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं वो केंद्रीय मधुमक्खी पालन अनुसंधान संस्थान पुणे से संपर्क करके उस तकनीक को प्राप्त कर सकते हैं। प्रोपोलिस का मेडिसिनल क्या उपयोग है? प्रोपोलिस केवल मेलीफेरा प्रजाति में मिलता है, और प्रोपोलिस के बहुत सारे उपयोग हैं, क्योंकि प्रोपोलिस जो है वह एक एंटीबायोटिक
जो है एक्टिविटी उसमें है, जिसके कारण जो भी दवाइयां हैं चाहे वो बुखार की हों या जितने भी टूथपेस्ट भी बनते हैं, इसमें कई ऐसे देश हैं जैसे जर्मनी है, ब्राज़ील है और इवन थाईलैंड है, वहाँ पर हमने देखा है कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स उसके उपलब्ध हैं। लेकिन अभी हमारे देश में ये प्रोडक्ट केवल इम्पोर्ट होकर के आते हैं और यहाँ पे अभी उत्पादन तो कहीं नहीं हो रहा है, लेकिन प्रोपालिस का उत्पादन हो रहा है। मोम का क्या उपयोग है? मोम का मुख्य रूप से इसका बहुत ही महत्व है, क्योंकि जो हमारे क्रिश्चियन समुदाय है उसमें जितने भी चर्चे हैं और ये मान्यता है कि इसमें इसकी शुद्धता कारण वहाँ पे जो कैंडल जलाई जाती है वो इसी मोम से जलाई जाती है, और साथ ही साथ इसका मुख्य रूप से मोम का जो उपयोग है वो जो है कॉस्मेटिक, अच्छी क्वालिटी के कॉस्मेटिक बनाने में इसका किया जाता है, जैसे लिपस्टिक है और बहुत सारे और भी जो प्रोडक्ट बनाए जाते हैं वो इस्तेमाल होते हैं। और साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं कि रॉयल जेली में भी एक एंटीऑक्सीडेंट है, तो रॉयल जेली को मिक्स करके बहुत सारे प्रोडक्ट, रॉयल जेली कैप्सूल, रॉयल जेली टैबलेट्स, रॉयल जेली कैप्सूल जो है वो बाज़ारों में उपलब्ध हैं। हालांकि हमारे यहाँ अभी तो जो माल्स हैं वहाँ पे रॉयल जेली कैप्सूल उपलब्ध हैं, और ऐसा माना जाता है कि इसमें सेक्सुअल पावर को बढ़ाने के लिए बहुत ही उपयोगी है, और साथ ही साथ एंटीऑक्सीडेंट होने के कारण जो भी फेस क्रीम और सौंदर्य प्रसाधन बनाए जाते हैं उसमें इसको डाल करके बनाया जाता है, और बहुत सारे जैसे चाइना है, थाईलैंड है और जैसे बहुत सारे देशों में इसका उत्पादन हो रहा है। मधुमक्खी के डंक का क्या उपयोग है? डंक का देखिए ये तो बहुत ही पुरातन समय से ही इसका उपयोग हमारे देश में भी होता रहा है, और विदेशी मधुमक्खी मेलिफेरा का इस्तेमाल करके, और हमारे पास वो तकनीक है कि उससे जो है बी वेनम इकट्ठा किया जा सके, और उस बी वेनम को वो ड्राई पाउडर के रूप में इकट्ठा करते हैं और उसके बाद फिर उसको डिफरेंट कंसंट्रेशन में डिजॉल्व करके और उसका उपयोग दवाओं में किया जाता है। मुख्य रूप से आप जानते होंगे कि एपिस मेल नाम करके एक दवा होम्योपैथिक में उपलब्ध है, और उसका उपयोग जो है विभिन्न रोगों के लिए होम्योपैथ डॉक्टर करते हैं। साथ ही साथ यह भी देखा गया है कि ये आर्थराइटिस में और विजन को बढ़ाने के लिए भी इसका डायरेक्ट स्टिंग करके एपिथेरेपी करके पूरी टेक्नोलॉजी ही डेवलप है। क्या एपिथेरेपी भारत में है? हाँ, भारत में है। भारत में बहुत से जगह पर जो है पहले से भी लोग जो है जैसे घुटनों का दर्द हो और एंकल का दर्द हो, आर्थराइटिस में जो है उस स्थान पर जो है बी वेनम का उपयोग किया जाता है, सीधे डायरेक्ट मक्खी को लेकर के उसमें डंक लगाने से काफ़ी फायदा होता है। इवन आँख का पावर भी बढ़ जाता है, उसके लिए भी उस पर इसके डंक का उपयोग किया जाता है। क्या कैंसर जैसे रोगों को भी रोकता है इसका डंक? देखिए कैंसर जैसे रोगों को इसलिए इस पर हम ज़्यादा नहीं बोल सकते क्योंकि बहुत जगह रिसर्च हो रहा है, लेकिन हमारे यहाँ इस तरह का अभी या पूरे और किसी देश में इस तरह का कोई रिसर्च रिपोर्ट नहीं आई है, इसलिए इस पर ये कहना ठीक नहीं होगा कि ये कैंसर के लिए उपयोगी है। लेकिन इसके साथ एक जानकारी और मैं देना चाहता हूँ कि नॉर्थ ईस्टर्न के जो है बहुत सारे स्टेट हैं, जो नागालैंड और मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम और सिक्किम ने, वहाँ पे एक हमारी जो मेलिपोना जो छोटी मधुमक्खी होती है उसका जो शहद है वो बहुत उपयोगी है, वहाँ पे लोग उसको पालते भी हैं, और ये मान्यता है कि उस शहद का उपयोग कैंसर के रोगियों के लिए काफ़ी उपयोगी है। धन्यवाद सिंह साहब, बहुत अच्छी आपने जानकारी हमारे किसान भाइयों को दी। अब अगली चर्चा में हम आपसे फिर मिलेंगे।